पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश के कारण हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से फिर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण 3 दुकानें बह गई हैं। बताया गया है कि इस हादसे में 10 से 12 लोग लापता हैं। पुलिस और प्रशासन समेत राहत टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी खोजा नहीं जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग जिले में बीती रात गौरीकुंड चौकी पुल के पास मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन हो गया। इससे 3 दुकानें क्षतिग्रस्त होकर मलबे में बह गई। SP रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस टीम, SDRF, NDRF समेत अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। प्रदेश में सुबह से मौसम साफ रहा और चार धाम यात्रा रुक रुक कर चलती रही। शाम को देहरादून समेत कई जिलों में अचानक बादल आने और बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका में मलबा व बोल्डर आने से करीब 4 घंटे तक यातायात बंद रहा, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के वाहनों की लाइन लग गई। वहीं गंगोत्री हाईवे व यमुनोत्री हाईवे पर भी रास्ते में मलबा आने से 3 घंटे आवाजाही बंद रही। उत्तरकाशी जिले में 40, टिहरी में 16 और पौड़ी में 26 सड़कें अभी भी बंद है। कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र की कोल्हू नदी में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वह नदी पार कर मंदिर जा रहा था। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं कहीं आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, बृहस्पतिवार को कुमाऊं मंडल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछारों के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बृहस्पतिवार को बंद रहे। 3 जिलों के जिला प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी हुए थे। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 4 से 7 अगस्त के बीच उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 4 से 7 अगस्त के बीच हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी आज और कल हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला, अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।